नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की रायपुर की खबर के साथ। आज मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम है और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनदर्शन आज है। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वो समस्याएं सुनेंगे। 11 बजे से सीएम हाउस में जनदर्शन शुरू होगा। दोपहर 1 बजे तक जनता की समस्याओं को वो सुनेंगे। सीएम विष्णुदेव साय लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उनसे सीधे रूबरू होंगे। बड़ी संख्या में कार्यक्रम में लोग पहुंचे हैं 11 बजे से, क्योंकि शुरू होगा और अभी 10:30 बजने को हैं। धीरे धीरे फरियादियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है 11 बजे, क्योंकि ये जो जनदर्शन है उसका आयोजन होगा, जिसमें कि सीधे मुखिया प्रदेश के जनता से जुड़ेंगे, फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे। अधिकारियों को फौरन निर्देश दिए जाएंगे आखिर कहां समस्या आ रही है, क्यों नहीं अब तक उसका समाधान निकल पाया है, किन वजहों से मामले अटके हैं। इन तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब आज फरियादी देंगे सीएम को। आज जनदर्शन का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है और करीब 11 बजे से जनदर्शन का ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लंबी कतारें लोगों की सीएम साय के से मुलाकात के लिए यहाँ पर लगी हुई है। ये सभी सीएम साय से मुलाकात करेंगे और अपनी समस्याएं उनके सामने रखेंगे। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं? हम लोग कांकेर चारामा से। कितने बजे से आए? हम लोग अभी 1 घंटे से पहुँचे। क्या कुछ समस्याएं? हमारी कुछ सामाजिक मांगे हैं, उसके लिए हम लोग आए हैं। पूरे समाज के पूरे प्रतिनिधि मिल के आए। आप बताइए भैया। हम लोग जोगड़ी से आए हैं। कितने बजे से आए हैं? 1 घंटा हो गया यहाँ पे। क्या समस्या है आपकी? वो गांव में कुछ समस्या, इसके लिए आए हैं सर के पास। आप लोग बताइए, आप जोगड़ी से? एक ही गांव से। ठीक ठीक है भाई साहब, आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैम, हम लोग कमल विहार से आए हुए हैं। कमल विहार जो कि भाजपा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, आज वहाँ 10 से 12 घंटे लाइट बोर हो रही है और सारे ड्रेनेज खुले हुए हैं और पानी पूरा इकट्ठा हो रहा है, तो और स्ट्रीट लाइट पूरी तरह बंद रह रही है, तो उसका कारण आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, तो उसी के लिए हम लोग आ जाए हुए हैं। सभी अपनी अपनी समस्याएं लेके यहाँ पहुँच रहे हैं। उम्मीद है आपको क्या क्या समस्याओं का निराकरण यहाँ पर? जरूर होगा, पूरी उम्मीद है, तभी तो आए। ठीक, तो देखिए बहुत लंबी लंबी दूरी तय करके लोग यहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं और करीब कुछ लोग जो है सुबह 5 बजे से यहाँ पहुँचे हैं, तो कोई सुबह 6 बजे से पहुँचा है और सभी जो है आज सीधे सीएम साय से जो है वो रूबरू होंगे और उनके सामने अपनी समस्याएं जो है वो रखेंगे। यहीं आपको बता दूं कि 27 जून से जो है जनदर्शन कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया है, जिसके बाद से लगातार हर सप्ताह के गुरुवार को ये कार्यक्रम जो है सीएम हाउस में आयोजित किया जाता है। कैमरा पर्सन मनीष कीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तनु साथ जुड़ गई है सहयोगी और अभी आप रिपोर्ट भी दिख रहे थे तनु वर्मा का ही। तनु, आप इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, 10:30 अभी बज रहे हैं लेकिन 11 बजे से जनदर्शन जो है वो शुरू हो जाएगी। क्या फरियादी पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज राजधानी रायपुर में सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है, ऐसे में जो लोग हैं वो समय से पहले ही पहुंच चुके हैं और उन्हें जो है सीएम हाउस में अंदर में जो है वो प्रवेश भी दे दिया गया है। लेकिन करीब सुबह 5 बजे से और 6 बजे से लोगों की लंबी कतारें जो है सीएम हाउस में लगी हुई थी सीएम साय से मुलाकात करने के लिए। सीएम साय से वो अंदर मुलाकात करेंगे, सीधे रूबरू होंगे, उसके बाद अपनी समस्याएं जो है उनके पास रखेंगे। फिलहाल 11 बजे से जनदर्शन का ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा और आज भी लगभग प्रदेश के सभी संभागों से बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंचे हैं। कुछ दिव्यांग भी पहुंचे अपनी तमाम तरह की समस्याओं को लेकर और लंबी कतारें आज भी सीएम हाउस के बाहर जो है वो देखने को मिल रही और सभी को इंतजार 11 बजे का है कि कब 11 बजे और वो कब सीएम साय को अपनी सीएम साय के सामने अपनी समस्याएं रखे और समस्याओं का निराकरण वो पाए, क्योंकि इससे पहले भी 27 जून से जनदर्शन कार्यक्रम का जो है आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद जो दो जनदर्शन कार्यक्रम जो है वो हुए हैं उसके बाद बीच में कई कारणों के मद्देनजर जनदर्शन कार्यक्रम को जो है स्थगित किया गया था, जिसके बाद आज हो रहा है। ऐसे में लोगों की लंबी कतारें जो है वो और बढ़ते जा रही है, क्योंकि लंबे समय बाद फिर से वो सीएम साय से जो है मुखातिब होंगे और इसके साथ ही सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। और आज इसके साथ ही जो दिव्यांगजन यहां पर पहुंच रहे हैं सीएम हाउस में, उनके लिए भी खास व्यवस्था की गई है, उनको बाहर ई रिक्शा से जो है अंदर सीएम हाउस तक प्रवेश दिलाया जा रहा है। तो तमाम लोगों के लिए अलग अलग तरह की सुविधाएं भी यहां पर जो है वो की गई है और 11 बजे ये जनदर्शन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद सभी अपनी समस्याएं जो है सीएम साय को सुनाएंगे। उसके बाद जिन जिन समस्याओं की का निराकरण जो है तुरंत हो पाता है उन समस्याओं का निराकरण भी वहां पर त्वरित किया जाता है। इसके साथ ही जो भी विभाग की समस्याएं लेकर वो पहुंच रहे हैं उनके विभाग के अधिकारियों को उसकी सूचना दी जाती है, जिसके बाद उनके समस्याओं का निराकरण जो है वो हो रहा है और लोग बड़ी उम्मीद के साथ आशा के साथ जो है यहाँ पर पहुंचे कि उनकी समस्याओं का निराकरण। में जब प्रदेश के मुखिया से रूबरू होते हैं तो फिर एक उम्मीद, एक आशा की किरण जो है वो नजर आने लगती है
कि जो समस्याएं हैं वो जल्द दूर होने वाली हैं। बने रहिए, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए तनु। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, बीजेपी कार्यालय में सहायता केंद्र बना है, सहायता केंद्र। आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है समस्याएं सुनेंगे। बीजेपी कार्यालय में ही सहायता केंद्र बना है और ओपी चौधरी भी आज लोगों की समस्याएं सुनेंगे। आम लोगों की समस्या ओपी चौधरी सुनते हुए नजर आएंगे। एक तरफ जहां सीएम हाउस में खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोगों से रूबरू होंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, तो दूसरी तरफ जो बीजेपी दफ्तर है वहां पर सहायता केंद्र बनाया गया है जिसमें कि ओपी चौधरी जो कि वित्त मंत्री भी हैं वो सुनते हुए नजर आएंगे समस्याओं को। हालांकि कल मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जन समस्याएं सुनेंगी, बीजेपी कार्यालय में ही जन समस्याएं मंत्री सुनते हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आज ढेबर की पेशी है, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी की पेशी है। ढेबर और त्रिपाठी को मेरठ से रायपुर लाया जा रहा है, सड़क के रास्ते वैन से ईडी लेकर आ रही है रायपुर। कल दोनों को ही रायपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी की पेशी है। तनु साथ जुड़ी हुई है, तनु पेशी कब है? जी बिल्कुल, देखिए शराब घोटाले और नकली होलोग्राम मामले में गिरफ्तार अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी को आज जो है राजधानी रायपुर में कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा और इससे पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम के द्वारा उन्हें बाय रोड जो है राजधानी रायपुर लेकर आया जा रहा है। करीब 12 से 1 बजे जो है वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे जिसके बाद उन्हें राजधानी रायपुर के आज कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा। इसके साथ ही क्योंकि वो बाय रोड जो है वैन से उनको लेकर आ रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। वैन में सीसीटीवी कैमरा है, वॉइस रिकॉर्डर है और जीपीएस लगा हुआ है। इसके साथ ही निगरानी के लिए तमाम अधिकारी भी जो है वो वैन में मौजूद हैं। और आपको बता दूं कि इससे पहले शराब घोटाले मामले में जो है उनको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जब उनको जमानत मिली थी तो यूपी एसटीएफ की टीम ने जो है उनको गिरफ्तार करके वो मेरठ लेकर गए थे और अभी तक वो मेरठ में ही रहे हैं, जिसके बाद आज उनको बाय रोड जो है राजधानी रायपुर लेकर आया जा रहा है और यहां राजधानी रायपुर में ईडी जो है वो रिमांड पर लेकर उनसे जो है वो पूछताछ जो है वो की जाएगी, जिसके बाद लगातार कहा जा सकता है कि इससे पहले भी लगातार इस मामले में तमाम जो है पूछताछ का सिलसिला है वो जारी है और ऐसे में आज की पूछताछ के बाद भी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अहम खुलासा जो है निकलकर सामने आता है। जी बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो फिलहाल बात कुछ कर लेते हैं बारिश की भी। प्रदेश में आज भारी बारिश के आसार है, सरगुजा बिलासपुर संभाग में भारी बारिश के आसार है, तो वहीं रायपुर में भी आज गरज चमक के साथ बारिश होगी। बीजापुर में तो सबसे ज्यादा बारिश हुई है 16 सेंटीमीटर। कल पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। तो सरगुजा बिलासपुर संभाग में बारिश होगी, रायपुर में भी आज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। प्रदेश की अगर बात करें पूरे तो फिर हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। तनु हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और तमाम जगहों का हाल हम जानेंगे, हमारे ग्राउंड जीरो से संवाददाता जुड़ चुके हैं क्योंकि। तो सबसे पहले बिलासपुर का हाल बताइए उमेश, क्या यहां पर मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है? अंशिका जी बिल्कुल, देखिए बीते 2 दिनों से यहाँ लगातार बारिश हो रही है और इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश की चेतावनी दी थी। यही वजह है कि आप देखेंगे कि जितने नदी नाले और जो डैम है वो उफान पर, इतना ही नहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो अरपा भैंसा झार के लिए नहर बनाई गई थी सिंचाई के लिए, उस नहर में इतना पानी भर गया कि वो नहर फूट गया है और लोग जो किसान हैं उनके 500 एकड़ खेतों में जो है नहर का जो पानी है वो घुस गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता उन किसानों के लिए ये आन खड़ी
गई है कि उनका फसल जो है वो पूरी तरीके से चौपट हो गया। हालांकि जिला प्रशासन को जैसे ही इसकी जानकारी लगी कि बारिश की वजह से कई ऐसे नदी नाले जो उफान पर है, जिसकी वजह से नहरों के टूट फूट की जो सूचनाएं आ रही है उसको लेकर अलर्ट जारी किया था। और यही वजह है कि मौके पर जाकर नहर को सुधार कार्य जो है कलेक्टर अवनीश सरण के निर्देश के बाद किया गया है। लेकिन ये जरूर है कि कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर लोग जो अधिकारी है या जो टीम है वो नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से किसानों को, वहां के ग्रामीणों को, खास करके स्कूलों बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहुंच ही विहीन मार्ग कई ऐसे इस जिले में है जहां पर भारी बारिश की वजह से जो मुख्य मार्ग से संपर्क जो है सड़कों का वो टूट जाता है। यही वजह है कि जो गाँव के ग्रामीण है वो गाँव में ही दुबक के रह जाते हैं। खास करके उनके सामने अगर दो तीन दिन इसी तरीके से भारी बारिश होती रही तो उनके खाने पीने की भी समस्या निकल कर सामने आती है। इसके साथ ही अगर हम कहें तो कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है। तो फिलहाल जिला प्रशासन पहले से ही इस पूरी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था। जिन इलाकों में अति संवेदनशील इलाका के तौर पर घोषित किया गया है उन इलाकों पर टीम मौजूद है, और जहाँ पर ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है कि बारिश की वजह से जो आवागमन और जो सड़कें और जो कई गांव के जो संपर्क टूट जाते हैं वहाँ पर भी जिला प्रशासन की नज़र है, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत उन ग्रामीणों को ना हो। तो निश्चित रूप से दो तीन दिनों तक जो भारी बारिश हो रही है उसका असर आम जीवन पर देखने को मिल रहा है। अंशिका जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आम जनजीवन पर तो वाकई में बारिश का बहुत ज़्यादा प्रभाव नज़र आता है। लेकिन तनु, अगर बात करें राजधानी की और आसपास के सटे हुए इलाकों की, तो क्या यहाँ पर भी बारिश आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा होने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 10 साल से अगस्त में जो है मानसून में अच्छी बारिश होने का जो है वो ट्रेंड रहा है, और माना जाता है कि अगस्त के मंथ में मानसून का जो सीजनल कोटा होता है वो पूरा होता है। और अभी तक एक जून से लेकर अभी तक की हम बात करें तो 665 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश जो है वो दर्ज की गई है। वहीं राजधानी रायपुर में अभी तक जो एवरेज पूर्वानुमान मौसम विभाग के द्वारा जताया गया था उससे 7 से 8% जो है वो ज़्यादा बारिश जो है वो दर्ज की गई है, और आसपास के इलाकों में भी यही हाल है। इसके साथ ही मानसून का जो सीजनल कोटा होता है 1100 मिलीमीटर, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही क्योंकि 665 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश छत्तीसगढ़ में दर्ज की जा चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगस्त के मंथ में ही मानसून का सीजनल कोटा जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा लगातार बारिश का दौर भी जो है वो जारी है। बीते दिनों से ही राजधानी रायपुर में अच्छी बारिश जो है वो दर्ज की जा रही है, और आज सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी का दौर भी जो है वो यहां पर चल रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज बिलासपुर और सरगुजा संभाग के लिए भारी बारिश की जो है वो चेतावनी दी है, और प्रदेश के कई इलाकों में लगातार अच्छी बारिश जो है वो हो ही रही है। इसके साथ ही कई इलाकों पे बाढ़ वाले हालात देखने को मिल रहे हैं, कई इलाकों पे नदी नाले उफान पर है। और ऐसे में अगर मौसम विभाग का ये अनुमान है कि अगस्त के मंथ में मानसून का सीजनल कोटा पूरा हो जाए, तो अगर इसके बाद भी अगर और अच्छी बारिश होती है तो ऐसे में एक तरफ से अच्छी बारिश से जो राहत है, मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आफत की बारिश भी जो है वो बन जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए तनु, और बहुत सावधान होने की ज़रूरत है क्योंकि चाहे बिलासपुर हो या रायपुर हो, आसपास के क्षेत्र हो, यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जाहिर की गई है। मनेन्द्रगढ़ से खबर, जहां चिरमिरी भरतपुर जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से एक आंगनबाड़ी केंद्र की इमारत गिर गई है। मामला भरतपुर विकासखंड के रामगढ़ ग्राम पंचायत के बहेरा टोला का बताया जा रहा है। गनीमत तो ये रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त आंगनबाड़ी केंद्र खुला ही नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो यहाँ आंगनबाड़ी गिरा हुआ था, फिर हम लोग यहाँ पास आए, दो चार लोग को बुलाए, गांव के लोग, सरपंच, सचिव और उप सरपंच को, तो दिखाए हम लोग आकर, और वहाँ भी सूचना दिए जनकपुर में अपने पर्यवेक्षक को और परियोजना और बाबू वबू लोग को। आंगनबाड़ी भवन बहेरा टोला केंद्र का है, 3-4 दिन बारिश के कारण ऊपर से जो सीपेज है उसके कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरा गिर गया है, जो कि ये भवन बनवाया गया ठेकेदार द्वारा एकदम गुणवत्ता विहीन है, इसी कारण ये गिर गया है, जो कि सुबह करीब 8 बजे। बिलासपुर जिले में लगातार जारी तेज बारिश और बारिश से नहर में बेहिसाब पानी भर गया है, जिसकी वजह से कोटा क्षेत्र के भरारी गांव में नगर की बांध टूट गई है और नगर का पानी खेतों में घुस गया है। 500 एकड़ से ज्यादा की फसल बर्बाद हो चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि उधर फसल बर्बाद होने की आशंका को लेकर किसान परेशान है, किसान मुआवजे की मांग करने लगे हैं।
गौरतलब है कि नहर का बांध टूटने से पिछले 3 दिनों से खेतों में पानी भरा है, फसलें डूब चुकी है। दूसरी तरफ भारी बारिश, बाढ़ और नदियों में उफान को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नहर, डैम और नदी के किनारे जाने से मना किया है। जगदलपुर से खबर, जहां लापता युवक का शव मिल चुका है। 3 दिनों से युवक का जो लापता शव था वो मिल चुका है। तिरथा वाटरफॉल में तैरती मिली है लाश। लाश देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। जगदलपुर शहर का रहने वाला युवक बताया जा रहा है, नाराज होकर बिना बताए घर से वो बाहर निकला और मंजर देखिए कि उसकी तैरती हुई लाश मिली, जिसे ग्रामीणों ने बताया पुलिस को, तब जाकर पुलिस ने इस लाश को बाहर निकाला। बड़ौदाबाजार में भी बारिश जारी है और मेठी घाट पर जलस्तर 3 फीट ऊपर पहुंच गया है, जिसकी वजह से 10 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। रोजमर्रा के कामकाज के लिए इन गांव के लोग रोजाना जिला मुख्यालय पहुंचते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। अमेठी घाट पर जलस्तर बढ़ने की वजह से इन गांव के लोगों को 80 किलोमीटर घूमकर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। हमारे सभी क्षेत्रीय अधिकारी, फील्ड टीम्स एक्टिवेट कर दी गई हैं और सभी को ये निर्देश किया गया है कि अपने मुख्यालय में ही रहें और लगातार फील्ड में निगरानी करते रहें। जो ग्राम पंचायत स्तर के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको निर्देशित किया गया है वहीं पे वो तैनात रहें, और हमारे पटवारी, सचिव, कोटवार, रोजगार सहायक, ये सब फील्ड पे लगातार सतर्कता बनाए रखने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए इनको बताया गया है। और सभी नागरिकगणों से अपील की गई है कि वो बाढ़ की स्थिति को देखते हुए और अतिवृष्टि की स्थिति को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर ही जो है घर से बाहर निकलें। और बाजार जिले में लगातार बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर है। हम अमेठी घाट में मौजूद है। अमेठी घाट वो घाट है, अगर इस घाट में, इस पुल में, अगर पुलिया में 3 फीट पानी अभी भी चल रहा है, इस पुलिया में पानी चलने की वजह से लगभग दर्जन भर से अधिक गांव का संपर्क टूट जाता है। पहले इसका बहाव देखिए, इस कटाव देखिए, किस तरह से 3 फीट पानी पुलिया के ऊपर चल रहा है। हम नज़ारा दूर तक दिखाना चाहते हैं कि आखिर जो वाहन उस पार खड़ी हुई है वो इस पार आने के लिए तत्पर है, लेकिन वो वाहन इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि 3 से 4 फीट पानी ऊपर चल रहा है। वो देख सकते हैं वहाँ पर टंकी जो बनाई गई है, जल स्रोत जो बनाया गया है, वो का पानी कहाँ तक वहाँ पर फिट बैठता है, ये नज़ारा इधर हम दिखाना आपको चाहते हैं कि किस तरह से ये देखिए जो बारिश का पानी, इसकी वजह से किस तरह से ये जो पुल के जो बनाया गया था उसका किनारे किस तरह से जर्जर हो चुका है। पूर्व सरकार में यहाँ पर पुलिया की मांग लोगों द्वारा की गई थी, घोषणा में भी जारी हो गया था, लेकिन अब तक यहाँ पर पुल नहीं बन पाया है, लेकिन कारण इसी तरह समस्या हो रही है। लोगों को जब भी बारिश आती है समस्या लोगों को झेलनी पड़ती है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बहाव है और कटाव है। कलेक्टर द्वारा निर्देश करने के बाद यहाँ पर प्रशासन की टीम लगाई गई है कि कोई भी लोग रास्ते को पार ना करें। लिहाजा अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब इसका पुलिया बनेगा या फिर लोगों को पिछली बारिश में भी ये समस्या देखने को मिलेगी। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। सूरजपुर में लगातार बारिश जारी है और पूरे जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस बीच लोग जान जोखिम में डालकर पुल, पुलिया और रपटा पार कर रहे हैं। इसी कड़ी में जोरदार उफान के बीच रपटा पार कर रहे एक बाइक सवार की जान बाल बाल बच गई। ओडंगी ब्लॉक के धरसेड़ी गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जलभराव के बीच बाइक सवार जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहा है। इसी दौरान वो तेज धार में बहने लगा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने समय रहते बाइक सवार की जान बचा ली। राजनांदगांव जिले में लगातार हो रही है बारिश और बारिश की वजह से पूरे जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बकरकट्टा के पंचायत भवन सहित कई गांव में सड़कें पानी में पूरी तरह डूब गई हैं। ग्रामीणों को परेशानी हो रही है।
सरगुजा जिले के भटको गांव की रहने वाली महिला बीते 12 दिनों से अपनी पति की तलाश में दर दर भटक रही है। पुलिस कार्यालयों के चक्कर काट अधिकारियों से पति को ढूंढने की विनती कर रही है। महिला को शक है कि गांव के ही कुछ लोगों ने उनके पति की हत्या कर दी। महिला के मुताबिक पति लालचंद प्रजापति 27 जुलाई को ट्रैक्टर से खेत जुताई का रुपए लेने के लिए जशपुर जिले के बागमाड़ा गए थे। उस दिन से महिला का पति लापता है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। पुलिस को अगर देखा जाए पुलिस के रवैये से पीड़ित ने सरगुजा रेंज के आईजी से मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस ने उसके पति को जल्द ढूंढने का आश्वासन दिया है। पति 27 तारीख से लापता है, उनका नाम लालचंद प्रजापति है और मैं उनको इधर उधर ढूंढ रही हूँ, अपने उनके यार दोस्त सभी से पता लगाई, पता नहीं चल रहा है मेरा, मेरे पति का। और वो पैसा के विषय में गए थे बागमाड़ा और वहीं से पता चला कि उनसे मारपीट किया गया है और उनसे मोबाइल बाइक वगैरह छीन लिया गया। लालचंद प्रजापति हैं, ग्राम भटको के रहने वाले, थाना बतौली क्षेत्र अंतर्गत। उनकी पत्नी पुनीता प्रजापति ने वरिष्ठ कार्यालय में आकर के शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने किसी से पैसा लिया था और ग्राम बागमाड़ा थाना बागबहार तहसील परसाबहार जिला जसपुर में अपना जब पैसा वापस लेने गए तब उनके साथ में जो है मारपीट की गई है और कुछ भटको गांव के लोगों के द्वारा जो है उनको गाड़ी में जब वापस लेकर के आ रहे थे तब उनके द्वारा जो मारपीट करने पर जो लालचंद प्रजापति है वो अचानक कहीं से गुम हो गया है। तत्संबंध में उसका फ़ोन नंबर जो है स्विच ऑफ है। उक्त संबंध में थाना बतौली में जो है इसमें गुम इंसान कायम किया गया है। इसमें लालचंद प्रजापति की कुछ भी जो है पता तलाश। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।